ये तस्वीरें विकास के दावे करने वाले नेताओं के मुंह पर तमाचा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि स्वास्थ्य विभाग लोगों का कितना ख्याल रखता है। भिंड के रौन सामुदायिक केंद्र के बाहर महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। उनको हमने अपना पर्चा दिखाया, उनने बोला कि हम भर्ती नहीं कर पाएंगे, बाल ले जाए। हमने तो उनको पलंग दे दो, रात भर बिता दे, उसको ले जाएंगे। वो बोले नहीं नहीं, बाल निकाले। समझे हम लोग बाहर पर जाएंगे टीपे रात भर। उसके बाद मोड़ी हमारी 5:40 हो गई बाहर, अगर रोड पर वही तो एक घंटा कम से कम उधर पड़ी रही बाबू, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद पब्लिक जुड़ गई है सब बहुत सारी। उसके बाद अंदर से डॉक्टर नहीं आई हुए, जो नर्स हुए डॉक्टर नहीं हुए, कोई हुए वे लोग बाद में उठाए गए। रात भर प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल के बाहर ही महिला की डिलीवरी हो गई। मामला जब तूल पकड़ने लगा तब जाकर अस्पताल के कर्मचारियों ने महिला और उसकी नवजात बच्ची को अस्पताल के अंदर ले गए। सिस्टम को शर्मसार करने वाले अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। भिंड से हेमंत शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट।